नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं, बहुत अच्छा ऐप है। काफ़ी सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात होती है, उसको बनाना कैसे होता है, अपलोड कैसे करना होता है। और दोस्तों, आज हम जो तरीका बताएंगे उससे आपका समय भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और कहीं अगर आपको ऑनलाइन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपको फ़ोटोशॉप पर जाकर और वहाँ से फ़ोटो निकाल कर पैसों से जो है लेकर आने के बाद, उसको काटने के बाद फिर फ़ोटो लेके उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम जो ऐप बताएंगे दोस्तों, उससे आप 2 मिनट से भी कम समय में आसानी से अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना सकते हैं। और उस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, वीज़ा के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए भी आप जो है अपने फ़ोटो के साइज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें चलना है प्ले स्टोर पर और यहाँ लिखना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐप। इसमें दोस्तों जो एप्लीकेशन खुलेगा, हम ये आप देखिए लिखा आ रहा है पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, ये हमारे में इंस्टॉल है। आप जो है इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखिए पासपोर्ट फ़ोटो मेकर, ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। 4.5 इसकी रेटिंग है, 5 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसको जो है दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड्स मिले हैं। और आप जो है यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है तो इसमें बीच में 5 सेकंड के लिए ऐड भी आएंगे। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू फ़ोटो, माय फ़ोटोज़, फोटोग्राफर्स गाइड, हेल्प एंड सपोर्ट। ऊपर आपको जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। फाइल टाइप यहाँ JPG में ये फ़ोटो बनाता है, आप इसको PNG में भी सेव कर सकते हैं। इमेज रेजोल्यूशन जो है 300 DPI, 450 और 600 देता है। आप यहाँ से ऐप को रीसेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप ये 3 डॉट पर क्लिक करके देख सकते हैं अपडेट, अगर इस ऐप का आया है, डेमो देख सकते हैं, अबाउट इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ दोस्तों फोटोग्राफर्स गाइड पर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर गाइड करेगा, बताएगा अगर आप कैमरे से फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपकी बॉडी का पार्ट और आप किस तरीके से, किस लेंथ में, कैसे आपको खड़ा होना है, बैकग्राउंड क्या रखना है, ये सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको देगा। ये देखिए किस तरीके से प्रॉपर विज़न होना चाहिए या फिर इम्प्रॉपर पोजिशंस आपको यहाँ पर नोटिफाई कराई जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आप देख रहे हैं माय फ़ोटोज़, ये मैंने जो फ़ोटोज़ इस ऐप से बनाए हैं पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए माय फ़ोटोज़ पर क्लिक करके ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मैंने बनाया था दोस्तों, ये देखिए आसानी से बन गया था। और ये जो अलग अलग तरीके हैं, आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, नाम और डेट के साथ जो फ़ोटो मांगा जाता है वो उस तरीके से लिख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों जो A4 के साइज़ पर मैंने ये 64 फ़ोटोज़ आपको मुझे दिख रहे हैं, और ये जो मैंने फ़ोटोज़ बनाए हैं इनको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई प्रिंटर है तो मोबाइल से आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये शेयर का ऑप्शन आ गया है। और ये दोस्तों बनाना कैसे है आइए आपको बताते हैं। आपको जो है दोस्तों चलना है न्यू फ़ोटोज़ पर, न्यू फ़ोटोज़ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन आ रहा है इंडिया पैन कार्ड, ये उसका साइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं US के वीज़ा, पासपोर्ट यूरोपियन, अफ़गानिस्तान, इसी तरीके से अल्जीरिया, ये देखिए इतनी सारी कंट्रीज़ के जो वीज़ास और ID पासवर्ड्स के लिए आपको अगर साइज बनाना है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल हम चलते हैं इंडिया पैन कार्ड पर और यहाँ क्लिक करते हैं इंडिया पैन कार्ड। इमेज रेजोल्यूशन हम रखेंगे 300 DPI। यहाँ से ओके करने के बाद दोस्तों ये दे रहा है फोटोग्राफर्स गाइड, ये आप बैकग्राउंड कलर देखें, DPI देखें, और टाइप जो है इंडिया पैन कार्ड है। आप कैमरा पर क्लिक करके डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं, या आप गैलरी में जाकर अगर आपके किसी भी फ़ोटो को आप बनाना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करेंगे, और क्लिक करके जो है दोस्तों आप एल्बम पर जाएंगे, एल्बम पर जहां भी आपके जिस भी फोल्डर में फ़ोटो रखा है उसको आप वहाँ से उठा लेंगे। ये हमने दोस्तों मान लीजिए उठा लिया है और यहाँ से क्लिक कर लिया है, अब ये यहाँ अपलोड हो रहा है दोस्तों। आप स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसने इसको जो है ये दोस्तों ऐड आ रहा है, क्योंकि 5 सेकंड के लिए ये पेड वर्जन नहीं है इसलिए ये ऐड, देखिए दोस्तों ये इसने रोटेट कर लिया है।
आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये सीधा नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने एडजस्ट कर लिया है। आप दोस्तों नीचे ऑप्शन देख रहे हैं ऑटो एडजस्ट का, ये ऑटो एडजस्ट हो गया है। मिररिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये देखिए ये इस साइड से आ रहा था, अब ये साइड से हो गया है। आप रोटेट कर सकते हैं फोटो को, जैसा भी रोटेट करना चाहें। आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों टाइप दिया हुआ है इंडिया पैन कार्ड। अब बारी आती है क्रॉप करने की। तो ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, इसके अंदर जो भी आप लेंगे वो आपका एक्चुअल फ़ोटो बनने वाला है। तो आप जो है देखिए इसको हेड और चिन से ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने इस तरीके से ले लिया है, और ये एक्यूरेट आप चाहते हैं तो हम ये दोनों शोल्डर्स को कवर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये आ गया है, और हम क्रॉप पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ ये फ़ोटो का साइज रिसाइज हो गया है। अगर आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो गई है। कॉन्ट्रास्ट आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सैचुरेशन ये देख सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलेंगे दोस्तों। आप रीसेट कर सकते हैं तो जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। आप अगर खुश हैं तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों नीचे आ गया है फ़ोटो साइज, यू मस्ट सेट एन एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड कलर फॉर दिस फोटो। यहाँ पर एक हमें वार्निंग आई है क्योंकि पीछे की जो दीवार थी वो साफ़ नहीं थी। अब आप चेंज बैकग्राउंड कलर पर जाएंगे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐड ख़त्म होने के बाद हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये चेंज करने के लिए जो है आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं, और इसके बाद मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मैजिक्स दिए हुए हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर करती हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको ठीक लग रहा है तो आप यहाँ आगे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो गया है दोस्तों। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए देखिए ये येलो हो गया है, ये जो रंग आप देंगे, तो हम अभी वाइट रखेंगे और डन करेंगे। ये डन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ से आप ऊपर स्टेप पर जाकर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद लिखा आ रहा है कि आपको जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है या नहीं करना। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे। हम अभी इसको स्किप कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए ये इसका नाम आ गया है, और ये आ गया है कि 100% क्वालिटी JPEG में, और ये इसका साइज़ आ गया है। आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जितना साइज़ आप रखना चाहें वो साइज़ आप यहाँ से रख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आप यहाँ पर इसको नाम दे देंगे, हम इसको नाम दे देते हैं। और ये नाम देने के बाद हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद दोस्तों ये ऐड जो है जैसे ही ख़त्म होगा, ये ऐड हमने यहाँ से हटा के, ये देखिए दोस्तों आ गया है। और आप मल्टीपल कॉपीज़ अगर इसकी बनाना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़। यहाँ क्लिक करने के बाद ये दोस्तों साइज आ गए हैं आपके पेज के, A4 साइज़ का पेज, 4x4 इंच, 5x7, 6x8 इस तरीके से। तो हम 4x4 जो है एक A4 साइज़ का पेज ले रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये सारे फ़ोटोज़ बनकर आ गए हैं A4 साइज़ के पेज पर। आपको कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है खुद से, ये सारा एक स्टूडियो की तरह जब जैसे बनाई जाती है शीट वैसे आ गई है। नीचे लिखा हुआ है 64x64, आप कम कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कम करना है तो इस तरीके से आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आप गैप भी बना सकते हैं, ये देखिए ये गैप बनना शुरू हो गया है, गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम यहाँ से आप जैसा भी चाहें दोस्तों यहाँ से हो सकता है रोटेट कर सकते हैं। ये शीट रोटेट हो गई है, और रोटेट करके जो है आप यहाँ पर फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं। फ़ोटोज़ आ गए हैं। अब दोस्तों हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ से हमने सेव पर क्लिक कर दिया है। यहाँ आप इसका नाम दे देंगे, ये हमने नेम दे दिया है, और नेम देकर PNG में, JPG में आप जो भी सेव करना चाहें। और यहाँ से आपकी दोस्तों जो है फ़ोटो सेव हो गई है, ये साइज आ गया है, ये टाइप आ गया है, और अब जो है आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों। ये फिनिश हो गया है, आप अब जो है इसके मेन बैकग्राउंड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐप था, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उन्हें भी बताइए किस तरीके से आप जो है इस पर काम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। जिस भी टाइप का आपको पैन कार्ड के लिए बनाना है, वीज़ा के लिए बनाना है, पासपोर्ट के लिए बनाना है, आप उसके लिए फ़ोटोज़ को यहाँ से आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।